सत्संगत जी प्यार से कहना सरकार जी। सत्संगत जी आज जैसलमेर आके आप संतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी मिली है, और जब आप सबकी ओर देख भी रही थी दासी इधर से, जब आप करीब आके मिल रहे थे तो एकदम जो सादगी है, जो दिल का प्यार है, वो बहुत ही भाव बिल्कुल वैसे के वैसे ही व्यक्त हो रहे थे सब में। और उसी समय दासी निरंकार से अरदास यही कर रही थी कि आने वाले जब दासी अगली बार इधर आए तो ये जो रूप इस समय बहुत ही पंडाल पूरा नहीं भर पा रहा है, वो आगे आने वाले समय में बहुत ही आगे बढ़ जाए। और जल्द ही जिस तरह महात्मा अरदास कर रहे थे कि सत्संग का एक भवन रूप भी हो, वो भी कोशिश करके जल्दी से जल्दी आप सब संतों के लिए सहूलत के लिए हो। हम यहाँ इतनी देर से जो सत्संग में सुन रहे थे, वो चाहे नाटक रूप भी देखा हमने, जो हमने कविता रूप भी, अलग भाषा मराठी भी, राजस्थानी भी, हिंदी भी, पंजाबी भी, ये सब का एक ही संदेश था। और वो संदेश यही था कि एक मानव तन में आए हैं तो फिर हमें सिर्फ शरीर से ही मनुष्य नहीं बनना, पर जो असली पहचान है इस मनुष्य की, वो शरीर नहीं आत्मा है। वो आत्मा का परमात्मा से जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मेल होता है, वो निरंकारी मिशन में पहचान दी जाती है। और जो भी कोई नए सज्जन आज आए हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह दासी आप के चरणों में, शायद आपने बहुत बार पहले भी ये बाबा जी से भी सुनी होगी ये बात, कि वो एक उदाहरण देते थे कि एक भेड़ था जो पल, एक शेर था जो एक भेड़ों के बीच में पल रहा था, और वो जब अपने आप को भेड़ ही मान रहा था, और एक दिन ऐसा समय आया जब एक तालाब में उसने अपना अक्स देखा और अपनी रिफ्लेक्शन में देखा कि मैं बाकी भेड़ की तरह नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा दूसरी तरह अलग आकार का दिखता है। और तब भी उसको पहचान हुई कि वो है कुछ और अपने आप को समझ कुछ और रहा था। उसी तरह हम चाहे कोई भी स्टेट में रहते हो, इंडिया के हो या बाहर अब्रॉड में भी हो, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, जहाँ के भी हैं, अंदर जो आत्मा है वो हमारी एक ही है, और वही किसी भी उसमें ढलती नहीं है। वो अपना जो ट्रू आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ है, वो ये निरंकार ही है आत्मा का। और समय बीतता चला जा रहा है, जो महापुरुषियाँ हैं जिनके हिस्से में ये निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान है, वो मुबारक हैं, वो हर पल आगे अपने आने वाले जीवन में याद रखें कि पल पल निरंकार का एहसास करें और समय उसी में व्यतीत करें। और जिनके पास अभी वो दांत नहीं है, निरंकार कृपा करें कि जल्दी से उनके आगे भी ये दांत मिलती जाए और प्रचार इस शहर में भी बढ़ता चला जाए। और सभी अपने जो संत चाह रहे हैं कि हर एक का ही भला हो, सिर्फ अपने भले तक नहीं वो रुक रहे हैं, वो बढ़ चढ़ कर प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे इधर रेगिस्तान है और उस तरह सहूलत वाइज जो अमेनिटीज हैं वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत करके आप सब इतनी संगत भी इकट्ठे करते हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करें कि बढ़ चढ़ के यहाँ मिशन का एक एक बच्चा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इतना बड़ा प्रचारक बने कि राजस्थान आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा महापुरुषों को, सज्जनों को जोड़ सके अपने साथ। धन्यवाद जी।